सो वेरी गुड आफ्टरनून. हम अब आगे का टेस्टिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि देर इज नो सिंगल रिलायबल टेस्ट विच इज अवेलेबल फॉर टेस्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्शन. व्हाई? ड्यू टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स विच डिस इन्फ्लुएंस द डिसइंफेक्शन एक्टिविटी. जैसे मैंने आपको बताया था, कोई कोरोसिव होता है, कोई कार्सिनोजेनिक होता है, किसी की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, तो सारी आपकी वो डेफिनेशन आइडियल डिसइंफेक्टेंट की वो फॉलो करे, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट है टू टेस्ट द डिसइंफेक्टेंट. नंबर वन इज फिनॉल कोफिशियंट टेस्ट, जिसमें दो प्रकार के टेस्ट होते हैं. एक होता है रीडल वॉकर का टेस्ट और एक होता है चिक मार्टिन टेस्ट. दूसरा होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन टेस्ट. उसके बाद तीसरा होता है कैल्सी साइक्स कैपेसिटी टेस्ट और चौथा इन यूज टेस्ट. तो ये चारों टेस्ट हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट में, रीडल वॉकर टेस्ट की. अभी तक का ये बेस्ट नॉन डिसइंफेक्टेंट टेस्ट है, जो कि इन विच पोटेंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ डिसइंफेक्टेंट विच इज नोन एज फिनॉल. मैंने आपको पिछले लेक्चर में केमिकल डिसइंफेक्शन में पढ़ाया था कि एक फिनॉल करके होता है कार्बोलिक एसिड विच इज अ डिसइंफेक्टेंट. तो हम जो भी टेस्टिंग डिसइंफेक्टेंट है उसकी एफिकेसी हम फिनॉल के कंपैरिजन में टेस्ट करते हैं. इसी को बोलते हैं रीडल वॉकर टेस्ट. इसमें हम क्या करते हैं, सीरीज ऑफ डाइल्यूशंस ऑफ फिनॉल एंड एक्सपेरिमेंटल डिसइंफेक्टेंट्स आर इनोकुलेटेड विद द टेस्ट बैक्टीरिया सच एज टाइफाइड बैसिलाई. जो आपका टाइफाइड बैसिलाई है उसमें हम जो टेस्टिंग डिसइंफेक्टेंट है प्लस फिनॉल का डिसइंफेक्टेंट है, इक्वल सीरियल डाइल्यूशंस में हम दोनों को ऐड करते हैं, वन एज अ टेस्ट द अदर एज अ कंट्रोल. द सस्पेंशन कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ टाइफाइड बैसिलाई इज सबमिटेड टू एक्शन ऑफ वेरिंग कंसेंट्रेशंस ऑफ फिनॉल एंड ऑफ डिसइंफेक्टेंट टू बी टेस्टेड. सो व्हाट हैपेंस इन दिस, बेसिकली द डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट which is sterilizing the suspension in the given time is divided by corresponding dilution of phenol and this is stated as phenol coefficient. तो normal value जो phenol coefficient की आती है वो 1 आती है of the disinfectant. यानी कि dilution जो test disinfectant का है, जो sterilize कर रहा है the suspension in given time, इसको हम भाग देते हैं corresponding dilution of phenol से, जिसको हमने ideal बना रखा है. और इसके बाद से जो हमारा फिनॉल कोफिशिएंट आता है स्टैंडर्ड वे में उसको 0-1 यानी 1 कहा जाता है. यानी फिनॉल कोफिशिएंट 1 का मतलब होता है कि जो डिसइंफेक्टेंट हमने टेस्ट किया है उसकी इफेक्टिवनेस सेम है जैसे कि फिनॉल से है. अगर उसका कोफिशिएंट कोई भी टेस्टिंग डिसइंफेक्टेंट का कोफिशिएंट 1 से कम आता है तो उसे माना जाएगा कि वो लेस इफेक्टिव है, और अगर मोर देन 1 आ रहा है तो माना जाएगा कि वो मोर इफेक्टिव है. तो हायर द फिनॉल कोफिशिएंट मोर इफेक्टिव इज द डिसइंफेक्टेंट. लेकिन इसका दुर्भाग्य ये है इस टेस्ट का कि ये जो रीडल वॉकर टेस्ट है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द नेचुरल कंडीशन. जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है डिसइंफेक्टेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसको वो एग्जिबिट नहीं करता. सच एज डिसइंफेक्टेंट रिएक्ट डायरेक्टली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जनरली हमारे ऑर्गेनिक मैटर हर जगह अवेलेबल होता है हॉस्पिटल में, चाहे आप स्पिल कर रहे हो, चाहे आप डिफरेंट रिएजेंट टेस्ट कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो वहां पे प्रेजेंट होगा. लेकिन इस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बैसिलाई ले लिया, ऑर्गेनिक मैटर हमने नहीं लिया. और जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिसाइड करता है कि एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट क्या होगी, क्योंकि उतना ही उसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा. दूसरा टेस्ट है चिक मार्टिन टेस्ट. ये एक मॉडिफिकेशन है रीडल वॉकर की. इस टेस्ट में हमने डिसइंफेक्टेंट को ऐड कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर.
यानी कि उसको मिमिक करना है नेचुरल कंडीशन में, जो पिछले टेस्ट में रीडल वॉकर टेस्ट में डिसएडवांटेज था कि हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में हम टेस्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर हम ले लेते हैं या तो ड्राइड यीस्ट या फिर फीसेस टू सिमुलेट द नेचुरल सिचुएशन। इवन दिस मॉडिफिकेशन फॉल्स शॉर्ट ऑफ सिमुलेटिंग द नेचुरल कंडीशन, क्योंकि कई जगह ज्यादा हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर, कई जगह कम हो सकता है, तो एग्जैक्ट नेचुरल कंडीशन वो मिमिक नहीं कर पाएगा। सो वेरियस अदर मॉडिफिकेशंस हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड, बट नो टेस्ट इज एंटायरली सेटिस्फैक्ट्री, चाहे वो आपका फिनॉल कोफिशिएंट में रीडल वॉकर टेस्ट हो चाहे चिक मार्टिन टेस्ट हो। अब नेक्स्ट टेस्ट हम बात कर रहे हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन टेस्ट, जिसको हम MIC भी बोलते हैं। दिस टेस्ट मेजर्स द लोएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ साल्मोनेला टाइफी इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि सबसे कम कंसेंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट का जो कि साल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ को इनहिबिट कर सके इस कल्चर मीडिया में, वो हम कंसेंट्रेशन को हम मान करके चलते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन। द टेस्ट फॉर द MIC ऑफ द डिसइंफेक्टेंट आर आल्सो इररिलेवेंट एज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्सपोज्ड टू द डिसइंफेक्टेंट इज टू लो एंड आल्सो द टाइम ऑफ एक्सपोजर इन दिस टेस्ट इज टू लॉन्ग, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट, क्योंकि वो नेचुरल सिस्टम को मिमिक नहीं कर रहा है, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है या जो बैक्टीरिया है उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, उसके अलावा जो एक्सपोजर टाइम है वो डिफरेंट हो रहा है नेचुरल कंडीशन से, तो ये मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है। थर्ड टेस्ट इज केल्सी साइक्स टेस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटी टेस्ट। द मेन फीचर ऑफ दिस टेस्ट इज दैट इंस्टेड ऑफ एडिशन ऑफ अ लार्ज इनोकुलम ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, द एडिशन इज मेड इन इंक्रीमेंट्स विद और विदाउट ऑर्गेनिक मैटर, यानी एक साथ हमने नहीं डाला, उसको इंक्रीमेंट्स में इन द पर्टिकुलर पीरियड इंटरवल ऑफ टाइम में हम डाल रहे हैं विद और विदाउट ऑर्गेनिक मैटर। दिस टेस्ट गिव्स द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट टू कोप अप विद द सक्सेसिव बैक्टीरियल इन्वेजन, जैसे कि नेचुरल सराउंडिंग में अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग टाइम पे इन्वेड कर सकता है डिफरेंट मीडिया को या आर्टिकल को या एनवायरमेंट को, तो ऐसे ही इसमें भी उसको मिमिक करने की कोशिश करी गई है कि हम इंक्रीमेंट्स में हम इनोकुलम टेस्ट बैक्टीरिया का डाल रहे हैं। इट इज डिजाइन टू सिमुलेट नेचुरल कंडीशंस अंडर विच द डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल, सो यू कैन से इट इज अ बेटर टेस्ट। तो टेस्ट ऑर्गेनिज्म हम क्या क्या लेते हैं इसमें, इन दिस वी यूज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इश्चिरिचिया कोलाई, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा एंड प्रोटियस वल्गैरिस। I'll repeat once again, इसमें हम टेस्ट ऑर्गेनिजम्स जो इंक्रीमेंट में डाल रहे हैं वो हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इश्चिरिचिया कोलाई, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा एंड प्रोटियस वल्गैरिस। और हम सभी को मालूम है कि जनरली हॉस्पिटल एनवायरनमेंट पे दीज आर दी मेजर चंक ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, सो दीज टेस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एडेड टू द डिसइंफेक्टेंट्स इन थ्री सक्सेसिव लॉट्स। तो उसका टाइम इंटरवल क्या है, एक है जीरो, यानी अगर हमने अभी डाला है तो उसको हम जीरो डेजिग्नेट करेंगे, देन आफ्टर 10 मिनट्स, देन आफ्टर 20 मिनट्स, बोथ क्लीन में भी और डर्टी कंडीशन में भी, यानी विदाउट एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड विद एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एंड ईच कॉन्टैक्ट इज जो एडिशन है इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द डिसइंफेक्टेंट फॉर एन एवरेज ऑफ 8 मिनट्स। मैं फिर से ये प्रोसेस बताता हूं,
कि ये जो आपका कैपेसिटी टेस्ट है या जिसको हम कैल्सी साइज टेस्ट बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट को सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार में लार्ज इनोकुलम डालने की बजाय हम इंक्रीमेंट्स में पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में डालते हैं। तो लार्ज इनोकुलम की जगह हम पर्टिकुलर इंक्रीमेंट्स में डाल रहे हैं, तो कौन कौन से टेस्ट ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इशिरीचिया कोलाए, सीडोमोनास सेरेजुनोसा एंड प्रोटियस वल्गैरिस, जो कि मिमिक करते हैं नॉर्मल हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। और कौन सा टाइम इंटरवल होगा, अगर हमने अभी डाला है तो वो जीरो, उसके बाद 10 मिनट्स, उसके बाद 20 मिनट्स में, और हर पीरियड का कॉन्टैक्ट टाइम डिसइंफेक्टेंट के साथ होगा 8 मिनट्स। और इस टेस्ट को हम एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के साथ भी करेंगे एंड विदाउट ऑर्गेनिक मैटर के साथ भी करेंगे। सो ईच एडिशन इज इन कॉन्टैक्ट विद द डिसइंफेक्टेंट फॉर 8 मिनट्स, देयरफॉर द सैंपल्स जो टेस्टिंग के हमें डिसइंफेक्ट को टेस्ट करना है, उसके सैंपल्स हम कब कब विड्रॉ करेंगे, एट 8 मिनट्स, एट 18 मिनट्स एंड एट 28 मिनट्स रिस्पेक्टिवली टू आर रिकवरी मीडियम, क्योंकि हमने 0 मिनट पे हमने ऐड किया, 10 मिनट पे ऐड किया, 20 मिनट्स पे ऐड किया। तो 0 वाला हम 8 मिनट पे लेंगे, रिकवरी मीडियम में डालेंगे, जो 10 पे डाला था वो हम 18 मिनट्स में रिकवरी मीडियम में डालेंगे, और जो 20 में डाला था वो 28 मिनट्स में हम रिकवरी मीडियम में डालेंगे। सो हाउ इज द डिसइंफेक्टेंट टेस्टेड, द डिसइंफेक्टेंट इज टेस्टेड बाय इट्स एबिलिटी टू किल द बैक्टीरिया। तो वो कैसे करेंगे, डन बाय द रिकवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफ दे आर प्रेजेंट ऑन सब कल्चर, अगर ग्रोथ हो रही है तो यानी कि वो डिसइंफेक्टेंट उसको किल नहीं कर पा रहा, अगर नहीं ग्रोथ हो रही है रिकवरी मीडियम में तो हम मानेंगे कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस टेस्ट। देन वी हैव इन यूज टेस्ट। इन यूज टेस्ट शुड ओनली बी परफॉर्म to confirm that the chosen disinfectant has been effective under the condition and period of use. I'll repeat, in-use test should only be performed to confirm the chosen disinfectant has been effective under the conditions and period of use. For example, this test should be performed on the diluted disinfectant in discard jars after they have been used and left overnight. यानी कि हमने उस disinfectant को dilute करके discard jar में रखा, उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद overnight leave कर दिया, उसके बाद हमने इसकी testing करी। The liquid phase of disinfectant solution is examined quantitatively for viable organisms in actual hospital practice. तो actual hospital practice में हम इसको liquid phase में हम examine करेंगे quantitatively. The ability of disinfectant to inactivate a known number of standard strain of pathogenic staphylococcus on a given surface within a certain time would determine its efficiency. Yani us disinfectant ne ek known staphylococcus ki standard strain ko humne kisi surface pe known quantity pe laga rakha hai, to kitne time mein us disinfectant ki activity उस नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस की एक्टिविटी को समाप्त कर सकती है, उसको हम बोलते हैं उस डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी। जनरली रिजल्ट्स ऑफ सच टेस्ट आर मोर यूजफुल देन दोज ऑफ फिनॉल कोफिशिएंट और उसका जो मॉडिफिकेशन हम कर रहे थे उसमें। सो दिस टेस्ट इज स्लाइटली बेटर टेस्ट फॉर यूजिंग। So these are the battery of tests which we employ in the testing of disinfectants. We know that we are employing a battery of disinfectants in the hospital, and they can vary from aldehyde group, that is formaldehyde, formalin, glutaraldehyde, orthoptaldehyde. Uske baad aapka alcohol group, yani absolute alcohol, phir betadine, phir quaternary ammonium compounds jo hum use karte hain, such as benzapolium chloride, tetramethyl paradiphenyl ammonium compounds,
तो इन सब की जो एक्टिविटी होती, दीज आर यूजुअल डिसइंफेक्टेंट्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, तो इनकी टेस्टिंग हमें बराबर करती रहनी चाहिए। अभी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन क्या आया है कि टेस्टिंग स्ट्रिप्स आ गई है, तो अब जितने भी कंपनीज हैं, ब्रांडेड कंपनीज हैं, वो डिसइंफेक्टेंट की स्ट्रिप और उसका किट इंसर्ट साथ में देते हैं। यानी कि आपने डिसइंफेक्टेंट निकाल लिया, डिसइंफेक्टेंट निकालने के बाद वो कितनी देर, कितने पीरियड ऑफ टाइम तक वो एफिशिएंट रहेगा, वो आप देखने के लिए आप वो स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही वो स्ट्रिप आपकी नेगेटिव आने लगे, तो आप मान के चले जो डिसइंफेक्टेंट आपने मेन स्टोरेज एरिया से, कंटेनर से बाहर निकाला था यूजेस के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ समाप्त हो गई है और वो डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी खत्म हो गई। तो किसी भी हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट यूज करना कंपलसरी है। तो डिसइंफेक्टेंट को यूज करने के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी भी टेस्ट करना एट वेरियस पीरियड इंटरवल ऑफ टाइम इज आल्सो नेसेसरी, सो दैट वी कम टू नो कि जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, वो क्या वाकई में डिसइंफेक्टेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं उससे जा भी रहे हैं कि नहीं। उसका दूसरा तरीका हम कर सकते हैं कि हम डिसइंफेक्टेंट्स को टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट हमने यूज किया, यूज करने के बाद हमने स्वैब्स ले लिए। स्वैब्स क्या लिया, सिंपल हमने स्टेराइल वाटर लिया, स्टेराइल वाटर में कॉटन स्वैब डिप किया और किसी भी सरफेस को जिसको हमने डिसइंफेक्ट किया है उस पर हम वो रब करके उसको हम यूज करें एज अ सैंपल, और उसको फिर लेबोरेटरी में हम एक लिक्विड कल्चर मीडिया में हम डाल दें और उसको इंक्यूबेट करें। अगर इंक्यूबेशन में वो लिक्विड कल्चर मीडिया में कुछ टाइम बाद टर्बिडिटी आ जाती है, यानी कि उसमें ग्रोथ आ रही है बैक्टीरिया की, तो हम उसको इनोकुलेट करेंगे सेमी सॉलिड मीडिया में, और सेमी सॉलिड मीडिया में हम ग्रोथ उसकी जो आएगी उसको हम कल्चर करेंगे और इंक्यूबेट करेंगे, तो हमें कॉलोनी से पता लग जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है। तो अगर उसमें टर्बिडिटी है, ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ आप कंफर्म कर रहे हैं सेमी सॉलिड मीडिया से, दैट मींस एफिशिएंसी उसकी उतने पीरियड ऑफ टाइम में नहीं है, वो इनएफिशिएंट हो गया। अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, कल्चर प्लेट स्टेराइल है या लिक्विड मीडिया में टर्बिडिटी बिल्कुल नहीं है, तो आप मान के चलें कि वो जो डिसइंफेक्टेंट है वो आपका एफिशिएंट है। सो दिस इज द वे इन विच वी टेस्ट दीज डिसइंफेक्टेंट्स। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि देर इज नो रिलायबल टेस्ट विच इज अवेलेबल फॉर डिसइंफेक्टेंट, कि क्या एफिशिएंसी है डिसइंफेक्टेंट की। यूजुअली जो डिसइंफेक्टेंट टेस्टिंग मीडिया होता है या मेथड्स होते हैं, वो आपके होते हैं नंबर वन फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट, जिसको बोलते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं, रीडल वॉकर टेस्ट और चिक मार्टिन टेस्ट। रीडल वॉकर टेस्ट का डिसएडवांटेज ये था कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता है, तो सिमुलेट नहीं कर पाता है नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो हम यूज करते हैं चिक मार्टिन टेस्ट, जिसमें हम ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड यीस्ट या फीसेस डालते हैं। फिर दूसरा मेथड होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, जिसमें हम सीरियल डाइल्यूशन में डिसइंफेक्टेंट को डालते हैं और जो टेस्ट बैक्टीरिया है उसको हम यूज करते हैं उसको देखने के लिए। तीसरा टेस्ट होता है कैल्सीज साइपिस टेस्ट, जिसको हमने आपको बताया था कि जिसमें हमने आपके जो टेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स लिए थे वो चार प्रकार के लिए थे, जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इशिरीचिया कोलाई, स्यूडोमोनास एंड आपका प्रोटियस वल्गैरिस, और इसको हमने इंक्रीमेंट्स में ऐड किया था 3 सक्सेसिव लॉट्स में एट 0, 8 एंड 18 मिनट्स, और रिकवरी मीडियम में हमने डिसइंफेक्टेंट का सैंपल ले लिया था एट 8 मिनट्स 18 मिनट्स एंड 28 मिनट्स, और उसके बाद उसको हमने रिकवरी मीडियम को इंक्यूबेट किया और देखा कि उसमें ग्रोथ आ रही है कि नहीं। अगर ग्रोथ आ रही है दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी नहीं है, और ग्रोथ नहीं आ रही है तो यानी कि एफिशिएंट है। और जो लास्ट हमने डिस्कस किया था वो था इन यूज टेस्ट, जिसमें हमने बताया था कि इट शुड बी ओनली डन टू कंफर्म दैट द चूजन डिसइंफेक्टेंट हैज बीन इफेक्टिव अंडर द कंडीशन एंड पीरियड ऑफ यूज। तो हमने उसमें क्या कर रहे थे, डिसइंफेक्टेंट को इस्तेमाल करने के बाद हम उसे डिस्कार्डेड जार में ओवरनाइट यूज करने के बाद छोड़ दे रहे थे, और उसके बाद उसमें हम क्वांटिटी चेक करते थे वायबल ऑर्गेनिजम्स की नेक्स्ट डे एक्चुअल हॉस्पिटल प्रैक्टिस में, कि उसमें ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की नहीं हो रही है। अगर ग्रोथ हो रही है तो यानी कि वो
आपका डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिव नहीं है। फिर हमने क्या किया, उसी डिसइंफेक्टेंट को देखने के लिए हमने एक नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक मीडियम में हमने स्प्रेड कर दी पर्टिकुलर क्वांटिटी में, और उस डिसइंफेक्टेंट से उसको डिसइंफेक्ट कर दिया एरिया को। उसके बाद हमने उसके स्वैब ले लिया, स्वैब लेने के बाद हमने उसको कल्चर किया। कल्चर करने में अगर हमें उसकी में ग्रोथ आ रही है तो दैट मीन्स इट इज नॉट इफेक्टिव, ग्रोथ नहीं आ रही है तो इट इज एफिशिएंट डिसइंफेक्टेंट। सो दिस इज हाउ वी टेस्ट द डिसइंफेक्टेंट। थैंक यू वेरी मच। सो इन टेस्टिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स द फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट हैज टू पार्ट्स। नंबर वन इज रीडल वॉकर टेस्ट। It is the best known disinfectant screening test in which potency of disinfectant is compared to that of standardized phenol, which is known as carbolic acid. Series of dilutions of phenol and experimental disinfectants are inoculated with the test bacteria such as Salmonella typhi, which is also known as typhoid bacilli. So the suspensions containing equal number of typhoid bacilli are submitted to action of varying concentration of phenol as well as the disinfectant which needs to be tested. The dilution of test disinfectant, sterilizing the suspension in given time divided by the corresponding dilution of phenol is stated as phenol coefficient, and in general standard आपका phenol coefficient आता है 1 of any efficient disinfectant. So phenol coefficient of 1 means that disinfectant tested which is tested has the same efficiency of killing the bacteria as equal to that of phenol. If the phenol coefficient is less than 1, that means it is not a very efficient disinfectant because its efficiency is less than that of phenol. More than 1 is more effective. Therefore, higher the phenol coefficient, more effective is the disinfectant. But this test has certain disadvantage. The main disadvantage is that it does not simulate the natural condition, the natural atmosphere of hospital which is carrying the organic matter with it. So there is not presence of organic matter, so this is not a very very reliable test for testing the disinfectant. Then the other modification of phenol coefficient test is Chick-Martin test. In this test, the disinfectant which is to be tested acts in presence of organic matter. And what organic matter we use? We use either dry yeast or feces to simulate the natural situation of the hospital. Even this modification falls short of simulating natural condition. Various other modifications have also been introduced for phenol coefficient, but no test is entirely satisfactory. Therefore, either Riedel-Walker test or Chick-Martin test may be used for testing the efficiency by comparing it with phenol. Then there is a test called as minimum inhibitory concentration test for testing the efficiency of disinfectant. This test measures the lowest concentration of disinfectant that inhibits the growth of Salmonella typhi in a given artificial culture media. Usually it is a nutrient medium. The test for the minimum inhibitory concentration of the disinfectant is also not very good. It is irrelevant as the number of organism which is being exposed to the disinfectant is too low as compared to the natural surrounding in the hospital.
So you cannot exactly depict ki how many, what is the bacterial load or the microorganism load in the environment. So it is usually thought that the concentration is too low. So it also does not simulate the natural environment. Also, the time of exposure in this test is very, very long. Therefore, it is not a very satisfactory test. It is not used. But theoretically, you should know about this test. Then we have Kelsey-Sykes test, which is also known as capacity test. The main feature of this test is that instead of one addition of a large inoculum of test organism, the additions is made in increments with or without the presence of organic matter, that is either dried yeast or feces. This test gives the measure of the capacity of disinfectant to cope with the successive bacterial invasions which occur usually in natural surrounding in a hospital. So it is usually designed to simulate the natural condition under which the disinfectant is being used in the hospital. So what are the test organisms which we are using in this Kelsey-Sykes test or capacity test? We are using four microorganisms, namely Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Proteus vulgaris. These four bacteria are usually present in the hospital surrounding and they encounter for most of the nosocomial infections which are present in the hospital. So these test organisms are added to the disinfectant, but they are added in three successive slots of 0, 10 and 20 minutes, both in the presence of organic matter and in the absence of organic matter. In the presence of organic matter is dirty condition, in the absence of organic matter is clean condition. So each addition has to be in contact with the disinfectant for at least 8 minutes for testing. So each addition is in contact with the disinfectant for 8 minutes. Therefore, when the samples are transferred at 8 minutes, at 18 minutes and at 28 minutes respectively to a certain recovery medium, the disinfectant is judged by the growth or absence of growth of bacteria, that is by its ability to kill bacteria. Done by the recovery of microorganisms, if present on subculture, either growth or no growth in the recovery medium. If there is growth, that means the disinfectant is not efficient. If there is no growth in the recovery medium, that means the disinfectant is efficient for the growth. Then we have in-use tests. The in-use tests should only be performed to confirm that the chosen disinfectant has been effective under the condition and period of use. How? For example, this test should be performed on a diluted disinfectant in discard jar after they have been used and left overnight. So this test is to be performed on the diluted disinfectant in the discard jar which has already been used and left overnight. The liquid phase of disinfectant solution is examined quantitatively for presence of any living or viable organism in actual use hospital practice. So the ability of a disinfectant to inactivate a known number of standard strain of pathogenic staphylococcus on a given surface or medium within a certain time would determine the efficiency of that disinfectant. Generally, results of such tests are more useful than those of phenol coefficient and in its modifications. So this is all about the testing of disinfectants. Thank you very much.
सेकेंड और हो जाएगा दस. एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी. नो डाउट. थैंक यू. Stop it now.